साल 2020 का पहला चंद्र ग्रहण 10 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर लग रहा है। साल के पहले चंद्र ग्रहण का रात 10:37 से मध्य रात्रि 2:42 तक इसका प्रभाव रहेगा। ज्योतिषाचार्य आशुतोष वाषणे का कहना है कि ये चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण है, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है। इसमें चांद की हल्की परछाई दिखाई देगी। लोग अपनी छाया देखें और उसके पास किसी को कुछ दान कर दें। शास्त्रों के अनुसार इसका सूतक नहीं लगेगा, लेकिन इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। ये जो चंद्र ग्रहण का मतलब है सिद्धि का काल। भले ही ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है, खंड ग्रास नहीं है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका राशियों पे प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये सूतक आदि का विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि धर्मशास्त्र ये बताता है कि जब पूर्ण ग्रहण होता है, खंड ग्रास होता है, यानी कि राहु केतु की जो छाया जो पड़ती है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तब सूतक आदि का विशेष ध्यान दिया जाता है। क्योंकि ये ग्रहण पूर्णिमा पे पड़ रहा है, पौष पूर्णिमा पे, पौष पूर्णिमा से पवित्र माघ का प्रारंभ होता है। तो इस ग्रहण के समय कुंडली में, किसी की कुंडली में चंद्र दोष होता है या ग्रहण दोष होता है या राहु केतु के द्वारा कोई पीड़ा होती है, तो इस ग्रहण पे संगम तट पर उसकी शांति की जाती है। लोग अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं संगम के तट पर। तो इस ग्रहण का विशेष फायदा है, और क्योंकि माघ स्नान का प्रारंभ हो रहा है, तो जो भी श्रद्धालु भक्त अगर गंगा में डुबकी लगाएंगे और दान पुण्य करेंगे, तो इस ग्रहण के प्रभाव से, माघ का महीना जो प्रारंभ हो रहा है पौष पूर्णिमा के प्रभाव से, उनके जो कष्ट हैं, जो संकट हैं, वो दूर होंगे। क्योंकि ग्रहण काल में अगर आप कुछ दान करते हैं तो वो आपके दुख और दारिद्र को लेके जाता है। तो संगम का तट अक्षय क्षेत्र है, अक्षय क्षेत्र पे ग्रहण के समय भले ही उपछाया चंद्र ग्रहण है, इस दिन भी अगर हम दान करेंगे और इसके साथ कल्पवास प्रारंभ करेंगे, तो शरीर का कायाकल्प होता है। क्योंकि कल्पवास का मतलब कि अपने शरीर का काया। साथ ही ज्योतिषी गुंजन का कहना है कि इस ग्रहण से कई राशियां भी प्रभावित है, इसका भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ज्योतिष गुंजन ने बताया कि हर राशि के अनुसार दान की चीज निर्धारित है। सभी राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, जैसा कि जब भी कभी ग्रहण पड़ता है या इस बार जो उपछाया चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, उसका भी प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। तो कर्क, तुला, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए ये ग्रहण सुख लेके आ रहा है, और बाकी सभी के लिए मिश्रित और विपरीत प्रभाव लेके आ रहा है। तो बाकी सभी राशियां जितनी बची हैं, कर्क, तुला, कुंभ और मीन को छोड़ के, उन सबको बहुत ही एहतियात बरतनी चाहिए और साथ में उपाय भी करना चाहिए। चंद्र ग्रहण जब खत्म हो जाएगा अर्धरात्रि में, उसके बाद या तो प्रातः काल में स्नान करके दान आदि करें, ताकि जो विपरीत प्रभाव उनको मिलने वाले हैं वो ना मिल सके। आखिर जिन राशियों पर इसका असर पड़ेगा नकारात्मक तौर पे, उनको किस तरीके से, वो क्या गंगा में स्नान करें, उपाय क्या रहेंगे? उपाय जी, गंगा स्नान भी कर सकते हैं, और जो लोग गंगा स्नान नहीं कर सकते वो अपने घर में ही माँ गंगा का स्मरण करके भी स्नान करेंगे, तो वो फल उनको प्राप्त होगा। साथ ही उपाय बता दें कि क्या क्या दान करना है। मेष राशि वालों को लाल चीज का दान करना है, कोई भी लाल दाल ले सकते हैं, उसका दान कर सकते हैं। वृष राशि वाले चीनी का दान करेंगे अगर ग्रहण के बाद, तो उनके लिए शुभ रहेगा। मिथुन राशि वाले जो व्यक्ति हैं, उन्हें पालक दान करना चाहिए, हरी चीज़ों का दान करना है। कर्क राशि वालों को चावल दान करना है, ग्रहण के बाद चावल का दान करें। उसके बाद सूर्य सिंह राशि है, सिंह राशि वालों को सेब दान कर। आपको बता दें कि इस साल में 6 ग्रहण लगेंगे, जिसमें 4 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण होंगे। इनमें एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण भारत में नहीं देखा जाएगा। प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट।